आस्वाद घर की रसोई से आप सबका स्वागत है। यहाँ पे देखिए मैंने नारियल की चटनी और ये साबूदाना वड़ा बनाया है। ये बहुत ही क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से उतना ही जूसी और सॉफ्ट बना है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये व्रत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, या आप चाहे तो ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप साबूदाना ले लिया है। इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। अब साबूदाने को हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है या धूल मिट्टी कुछ लगी हो तो वो साफ़ हो जाए। ये देखिए मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसे मैंने भिगोकर रख दिया था। आधे घंटे के बाद हम सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे जो एक्सेस वाटर हमने इसमें डाला हुआ था। ये देखिए अब हम सिर्फ साबूदाने के लेवल तक का पानी रख के इसे छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये साबूदाना अपने आप अच्छी तरह से भीग कर फूल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, हमारे साबूदाने अच्छी तरह से भीग चुके हैं। ये देखिए हाथों से मैं मैश करूँगी तो ये अच्छे से मैश हो रहे, सॉफ्ट हो गए, दब रहे आराम से। तो चलिए वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में सारे साबूदाने ऐड कर दिए हैं, अदरक और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है और ये मूंगफली को मैंने फ्राई करके उसके दरदरा सा पीस लिया है। मैंने मूंगफली के छिलके नहीं निकाले हैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो बॉईल किए हुए मैश करके ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ और इसमें डाल रहे हैं हम धनिया और जीरा का पाउडर। अगर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया पत्ता। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद हो तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, इन्हें हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है तब तक ये एक सार सारा मिश्रण ना हो जाए हमारा। ये देखिए अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए। ये देखिए एक अच्छी तरह से रेडी हो चुका है हमारा साबूदाना वड़ा। और ये देखिए हम हाथों से इस तरह रोल करके इस तरह से हम वड़े की शेप में बना लेंगे। तो मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के, आपको जिस साइज़ के साबूदाने वड़े बनाना हो आप बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के साबूदाना वड़े बना रही हूँ और साइड में मैं यहाँ पे तेल गरम करने के लिए भी रख दूँगी ताकि हम जब तक अपने वड़े बनाएं तब तक हमारा तेल भी गरम हो जाए। तो यहाँ पे मैं प्लेट में एक एक करके सारे साबूदाना वड़े बना के शेप दे के उसे साइड में रख लूँगी ताकि फिर हम इसे आराम से फ्राई कर सकें। ये साबूदाना वड़ा आप नवरात्रों में या किसी दिन आपके फास्ट होते हैं तो आप खा सकते हैं। और नमक आप फास्ट वाला जो खाते हो वो ऐड करें या बिना नमक के भी आप बना सकते हैं। बिना नमक के बनाएंगे तो दही के साथ इस साबूदाने वड़े को एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारे सारे साबूदाने वड़े बना लिए हैं मैंने, आधे बनाए हैं, आधे मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया था तो अब हम इसमें एक एक करके अपने वड़े ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और साबूदाना वड़ा डालते तुरंत ही हमें करछी नहीं चलानी है, 1 से 2 मिनट के बाद हम करछी चलाएंगे और साबूदाने वड़े को पलट लेंगे और अच्छा सा सुनहरा रंग आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, 5 to 7 मिनट्स का, क्योंकि हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए हमारे साबूदाने वड़े ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। एक साइड से ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, मैं दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लूँगी। और फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा खाने के लिए मैं नारियल की एक चटपटी सी चटनी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नारियल की चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है ये वाली, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारे साबूदाना वड़े फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए कितना अच्छा रंग आया है। इसी तरह से हम अपने बाकी के साबूदाने वड़े को भी छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से तेल में साबूदाने वड़े डाल दिए हैं और मैं उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। और जो है हमारा साबूदाना वड़ा हमने फ्राई करके निकाला हुआ है उसे किसी नैपकिन पे या पेपर टॉवल पे रख देंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं सेकेंड बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और बहुत ध्यान से आपको फ्राई करना है, तेल के छींटे बिल्कुल ना उड़े। अगर उड़ते हैं तो आपके ऊपर ना उड़े, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप फ्रेश कोकोनट लिया है, इसे बारीक मैंने कट कर लिया है। इसमें डालेंगे तीखापन के लिए 3 मिर्चें, व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, या आप नॉर्मल बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं हम। और इसमें हम डालेंगे रोस्ट की हुई मूंगफली। मैं छिलके नहीं निकालती हूँ क्योंकि छिलकों में भी एक प्रोटीन होता है, तो हमें सब प्रोटीन मिलना चाहिए। तो अब इसे हम थोड़ा सा गुनगुना दूध डालेंगे। गुनगुना दूध डालने से अच्छी तरह से हमारी चटनी ब्लेंड होती है, फटे हुए दूध की तरह नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे साबुदाने वड़े और चटनी बिल्कुल रेडी है। साबुदाना वड़े को इस चटनी के साथ खाने का मज़ा ही बहुत अलग आता है। चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फास्टिंग को एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए हमारा साबुदाना वड़ा बिल्कुल रेडी है। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट, और चटनी के साथ तो इसके मज़े ही आ जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश।